मन पूरा खुशी से झूम उठा है। रामलीला का इतना मनमोहक दृश्य है, बहुत बहुत खुशी हुई देख के। बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत सुंदर। हाँ जी, हम लोग दीप जलाएंगे अपने अपने घर में। 500 वर्षों के बाद आए हैं, बहुत मन में खुशी होता है जी। दीप जलाएंगे? क्यों नहीं जलाएंगे, दीप जलाएंगे, झंडा लगाए हैं। हाँ, घर पर झंडा लगाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी का, जिनका सहयोग से आज हम लोग इस तरह से माहौल में देख पा रहे हैं। बाईस जनवरी यानी आज के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और देखिए तस्वीर किस तरीका से जो है, यह अन्नपूर्णा मार्ग के पास जो है LED लगाई गई है और यहाँ पे रामलला का लाइव दर्शन दिखाया जा रहा है। और यह बगल में मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और यह कार्यक्रम जो है ऋतुराज सिन्हा जो BJP के राष्ट्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया, क्योंकि जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते थे, वहाँ पे रामलला का दर्शन नहीं कर सकते थे, उनके लिए यह व्यवस्था की गई ताकि यहाँ से ही तमाम लोग दर्शन कर सके। और रामलला का जिसका इंतजार था वर्षों से, 500 वर्ष के बाद जिस तरीके से रामलला आए हैं और जिस वजह से आए हैं, तमाम चीज आपने देखा थी कितने संघर्ष हुई अयोध्या में रामलला को लाने में। अब जब रामलला विराजमान हो गए हैं, लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है, चारों तरफ राममय है। इसी क्रम में अन्नपूर्णा मार्ग में भी राममय कर दिया गया है। और यहाँ तस्वीर देखिए, यह अन्नपूर्णा मार्ग की है जहाँ पे सीधे लाइव तस्वीर दिखाई जा रही है और रामलला विराजमान चुके हैं। और यहाँ पे अब देखिए तमाम जो लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जिस तरीका से रामलला आए हैं और जिस तरीका से जो है जिसके द्वारा यह LED लगाया गया है, रामलला का तस्वीर देख करके कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई है। मन पूरा खुशी से झूम उठा है। रामलला का इतना मनमोहक दृश्य है, इतनी अच्छी मूर्ति है उनकी, तो बस ये क्या कहेंगे। रामलला का दृश्य देखे थे? हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई। उम्मीद था कि इस तरह से रामलला? नहीं नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं था। हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी हुई। हाँ हाँ बिल्कुल, बनाएंगे रंग बिल्कुल। क्या कहेंगे, रामलला का देखे? जी हाँ देखे। हाँ, कितनी खुशी हुई? बहुत बहुत खुशी हुई देख के, बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत सुंदर। हाँ जी, हम लोग दीप जलाएंगे अपने अपने घर में। पटाखे भी छोड़ेंगे, रामलला आ गए। पटाखे तो नहीं, लेकिन दीप जरूर जलाएंगे। चाची रामलला को देखे थे? हाँ, वैसे तो देखे हैं। कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी होता है जब हमारे अति में आ गए, रामलला आ गए। 500 वर्षों के बाद आए हैं, बहुत मन में खुशी होता है जी। दीप जलाएंगे? क्यों नहीं जलाएंगे, दीप जलाएंगे, झंडा लगाए हैं। हाँ, घर पर झंडा लगा है, बहुत खुशी होता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, आप लोग लाइव देख रहे थे उसको लेकर के, बहुत खुशी अनुभूति हुई। बहुत लग रहा था कभी कि इस तरह से हम लोग देख पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। नहीं लगा? खुशी है, बहुत खुशी है। सामने दिवाली मनाएंगे ना? जी जी। क्या कहेंगे, लाइव देख रहे थे? हाँ, लाइव देख रहे थे। देखा था, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। रामलला का दर्शन हुआ? बहुत अच्छा से हुआ। अच्छे से हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी का, जिनका सहयोग से आज हम लोग इस तरह से माहौल में देख पा रहे हैं। LED किनके द्वारा लगाया गया? मुझे पता नहीं है, बट लगाया गया होगा किन्हीं का सहयोग से। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कहेंगे, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, आप लाइव देख रहे थे? हाँ देखे हैं। देखिए रामलला का लाइव प्राण प्रतिष्ठा होते हुए कितनी खुशी हो रही थी? अच्छा, भगवान का मतलब आगमन हो गया अयोध्या में। अच्छा। जो मतलब सबका मनोकामना था वो पूरा हो गया। उम्मीद था कि मनोकामना पूरी होगी? हाँ, उम्मीद तो था। अच्छा, कैसे उम्मीद जगाई? ये मतलब बहुत मतलब भगवान का जो मतलब भगवान जब चाहते हैं वही होता है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान को अगर चाहेंगे आज आना तो आज आएंगे, कल आना तो कल आएंगे। परीक्षा लेते हैं सब लोग का, भक्त लोग का, कि वह कितना मतलब हमारा मतलब, हाँ वही भक्ति से प्रसन्न होके, भक्ति से प्रसन्न होकर आ गए। तो आपने सुना, क्या कुछ कहना था? तमाम लोगों का कहा काफी उत्साह का माहौल है और हम लोग अब शाम में दीप जलाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे।
क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी भी आ गया है। और कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, इस परीक्षा में सभी जो है भारतवासी भी पास हो गए हैं और उनका जो है इंतजार खत्म हुआ और दर्शन पा करके हम लोग काफी खुशी से झूम उठे हैं। और शाम में अब दीप जलाएंगे, पूरे घर पे हम लोगों ने झंडा फहराया है, अब दीप जलाने का काम करेंगे। लेकिन यह तस्वीर देखिए अन्नपूर्णा मार्ग की है, जहाँ पे शिव जी का अन्नपूर्णा आवास से कुछ ही दूरी पे जो है शिव मंदिर है और वहाँ पे तमाम लोग जो है सीधे लाइव प्रसारण देख रहे हैं और साथ में जो है राम लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान जी का भी लोगों के रूप में बनाया गया है, ताकि जो है यहाँ पे सीधे राम का दर्शन तो नहीं हो सकता है, लेकिन लाइव के माध्यम से तमाम लोग दर्शन करके जो खूब झूम रहे हैं और खूब जो है उत्साहित हो रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।